बात पता क्या है कि आजकल बड़े काम करने पड़ते हैं, एक गुरु बन के गुजारा नहीं होता। क्यों शेट्टी साहब, आप तो खुद जानते हो कि देखो आपका काम है यहाँ पे जजमेंट करना, एक काम में गुजारा होता नहीं, आप पैसे के लिए फिल्में भी बना रहे हो। ठीक ही नहीं, तू क्यों हंस रही है? ये एंकर देख लो, अब एंकरिंग करके तो रोटी खा नहीं सकती, सारा दिन बेचारी एंकरिंग करती है और रात को सोती रहती है। ना थकी हो ना? पता बात क्या है कि मैं भी सारी उम्र कहता रहा मैंने बस इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी दो मेरे जमाई, इज्जत और कोई इज्जत नहीं है, गोली मारो भूखा मर गया मैं। अब मैंने भी सोच लिया कि अर्चना की तरह सिर्फ पैसा ही कमाऊंगा, अब हर बंदा मेरे से कुछ भी सीखो आओ। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटा, क्या सीखना चाहते हो? बस आपकी कृपा से लौंडिया पटाना सिखा दीजिए गुरुजी। ओ यार तू तो भक्त आदमी लगता है यार, तू लौंडिया बजाएगा बेवकूफ। मंदिर से आए हो? रोज मंदिर जाता हूँ गुरुजी, वहाँ तरह तरह का माल आता है, कभी कभार तो घंटा बजाते हुए भी हार्ट टच हो जाता है। उन्हीं में से एक को फंसाना है गुरुजी। किस टाइप की लड़की फंसाना चाहता है? आजकल तो इमोशनल अत्याचार का जमाना है, धोखा दूंगा गुरुजी। सबसे पहले ये देख लो कि लड़की का कोई भाई है। गुरुजी अपनी सेटिंग बाद में करना, पहले मेरी कर दो। ओ यार तू तो, और मेरा मतलब है कि उसका कोई भाई बदमाश तो नहीं है, उसका बाप कहीं पुलिस वगैरह में तो नहीं है? ये अच्छी तरह देख लो। ये अगर मुझे ही देखना है तो आप घंटे के गुरु हैं। तो सबसे पहले बता कि लड़की रहती कहाँ है? लोखंडवाला में गुरुजी। आए लोखंडवाला चक्कर लगाते तू है? वहाँ वाकई बहुत अच्छा अच्छा माल आता है भाई, मैं वहीं रहता हूँ ना। अच्छा बिल्डिंग कौन सी है? रिजेंसी बिल्डिंग। ओए होए गुप्ता साहब की बेटी होगी फिर, आया क्या माल है। सच्ची बताऊं अगर वो मेरी बेटी की सहेली ना होती। नहीं नहीं गुप्ता साहब की बेटी नहीं है, गुप्ता साहब की बेटी की कोई सहेली है, कोई सुदेश लहरी की बेटी है। हेलो कैमरे बंद करो यार। हेलो नहीं नहीं हेलो एक मिनट यार, कोई जरूरी थोड़ी मैं ही ले रही हूँ, और भी बड़े ले रही है। ऐसे ही मेरी लड़की को बदनाम कर, जब वो है ही नहीं, तो कनाडा गई है किसी लड़के के साथ, भाग गई है वो। मेरी जोहर जफी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इधर नहीं इधर। हाँ गुरु मैं हूँ। आज क्या है? क्या आज क्या किया है? नहीं नहीं आज क्या है? कर्ज कौन सा? समझ नहीं रहे हो, मुंह खोलो अब बोल। आज क्या है? बस इसके आगे हम अर्ज करेंगे। वापस आएंगे। आज क्या है कि हमें बदमाशी सीखनी है। वाह बदमाशी सिखा दो। बहुत अच्छे। अबे शेर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुझसे। हमें बदमाशी सीखनी है, हमें बदमाशी सिखाओ। यार कमाल है, इस उम्र में बदमाशी सीखोगे? अब जवानी नहीं, मैं नहीं तो क्या बुढ़ापे में सीखेंगे? आपको नहीं लगता कि आपकी जवानी थोड़ी लेट हो गई है? तो बदमाश क्यों बनना चाहते हो? बदला लेना है। बदला किससे? पड़ोसी से। क्यों? कमबख्त के साथ झगड़ा हो गया। कमबख्त को जहाँ जहाँ मारना था वहाँ तो उसने मारा ही, ऐसी जगह मार दिया है कि काम खराब हो गया। काम आ रहा है, हाथ पे मार दिया है, अब हम शेर नहीं लिख पाते ना, देखो काम खराब हो गया। अच्छा शेर आप लिखते भी हो? हाँ अब तुम्हें देख के गर्मा गर्म सुझाव सुनाते हैं। नहीं नहीं फिर कभी सुनेंगे नहीं, ठंडा हो जाएगा, सुन लो। हमें बदमाशी सिखाओ और हमें बना दो बदमाशों के आका, वरना तेरे जैसे गुरु की माँ का साकी नाका। क्या बोला तूने? तेरी माँ का साकी नाका, बदमाशी सिखाओ हमें। मुझे क्यों मारे? जिसे तेरी बदमाशी है, जिसे तू बदला लेना है, उसे गालियां निकाल, मेरे को गाली क्यों निकाल रहा तू? मिल नहीं रहा ना वो, मिल नहीं रहा कमीना। सुनो रोज रात को हमारी बीबी को मैसेज किया करता है, आई लव यू आई मिस यू सुदेश लहरी। कहाँ रहते हो आप? मैं लोखंडवाला रिजेंसी बिल्डिंग। और छोड़ो क्या बदमाशी में पड़ा है, बड़ी मेहनत है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती लड़ने के लिए। तैयारी किया ना हमने, बस सिखा दो भैया।
कि कहां पेट में घुसाना, खूंचा खूंचा खूंचा, और 15 दिन तक होश ना आए कमीने को। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं अब आज के बाद आपकी बिल्डिंग की तरफ ध्यान भी नहीं रखेगा। अच्छा हाँ बेटा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो? मैं ही तो हूँ जो उसको समझा सकता हूँ, मेरा ही शिकर है वो। अच्छा हाँ। उसका एड्रेस दो हमें। एड्रेस ओशीवारा 33 नंबर बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे वो रहता है। अच्छा हाँ जाओ। अरे इसको जाओ। तो नहीं छोड़ेंगे। चेटी साहब मैंने कपिल शर्मा का एड्रेस दे दिया, आपने कहा था ना उससे खतरा है। मैं संगीत भी सिखाता हूँ आपको पता ही है, जब तानसेन जी गाना गाते थे तो बारिश आती थी, जब मैं गाता हूं तो खूबसूरत लड़कियां आ जाती हैं। सुनो। ओ आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा आ आजा आ आजा आ आजा आ आजा आ आजा आ आजा ए आ। गुरुजी मिलेंगे? कौन हो तुम? चमचम। तो फिर कम कम क्यों दिख रही हो? पूरा देखो ना, घूंघट उठाओ। मैं इज्जतदार लड़की हूँ, घूंघट नहीं उठाऊंगी। वैसे तू करने क्या आई है? मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। अच्छा हीरोइन बनना चाहती हो? हाँ। ऐसे थोड़ी बन जाते, पहले मुंह तो दिखाओ। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बहन ने 16 फिल्में की है, एक भी फिल्म में मुंह नहीं दिखाया, सिर्फ शक्ति कपूर का क्लोजअप डालते हैं। तो फिर शक्ति कपूर से ज्यादा सुंदर नहीं ना होगी वो? क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा ही होता है सुंदर लड़कियों का पंगा, देखते ही लड़के बेहोश हो जाते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है मुझे अच्छी शक्ल दी है, वरना जिसकी अच्छी शक्ल नहीं होती ना वो तो अपनी टांगे ही दिखाती है। ड्राइविंग स्कूल तो यही लगता है। हेलो हेलो, मैं कपिल जी से बात कर सकती हूँ? मैडम अगर तो आप सुंदर हैं तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। बकवास बंद कीजिए, मैं यहाँ ड्राइविंग सीखने आई हूँ, पर आपके स्कूल में तो कोई भी नहीं है। मैडम आप जल्दी में हैं? जी। तो फिर एक काम करिए, आप वेट करिए, मैं आता हूँ। मैंने कहा जी क्या हाल है सोने हो? जो तेरी बहन के हैं। अच्छा आपका भी पेट खराब है? हाँ? आप बताइए बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? मुझे ड्राइविंग सीखनी है। सबसे पहले मैडम आप ये बताइए आपका नाम क्या है? नताशा। वो दूसरा नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा सा ये मेरा नाम है, कोई नोट नहीं है कि दूसरा पढ़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है नताशा, अब इसकी उम्र पूछूंगा बढ़ जाएगी। मल्लिका की फिल्में एंजॉय कर लेती हो? मतलब अडल्ट हो? एक बात बताओ मेल हो के फीमेल? तुम पागल हो क्या, दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ तो फीमेल ही हुई ना। ओ मैडम क्या ना आजकल मार्केट में बड़ा धांधली चल रही है, हलवाइयों की दुकान पे मोबाइल बिक रहे हैं, अब कहने को तो ये भी लड़के हैं। समझ में नहीं आता ना आदमी क्या करे। आप खैर छोड़िए बैल, आप गाड़ी सिलेक्ट कीजिए। मैडम कौन सी गाड़ी सीखनी? ये वाली गाड़ी है ना, जो लाल वाली, इसका 2500 रुपये पर मंथ है। ओए पागल बना रहे हो क्या? ओ आप छोड़ो, आपको क्या लेना था, 200 रुपये कम देना। डार्लिंग बैठो तुम, इंजॉय करो, गाड़ी सीखो। आओ 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 बैठो डार्लिंग। डार्लिंग 200 रुपये कम भी तो गए, इतने तो एंजॉय करना बनता है कि नहीं? खैर मैडम आज से आपका ड्राइविंग सेशन शुरू। तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? हाँ तो तुम्हारी तो खुद की आंखें खराब हैं। मैडम आंखें खराब नहीं, एक्चुअली मेरी आंखों का आपस में प्यार बड़ा है, इतना प्यार है दाई आंख सारा दिन बाई को देखती रहती है। खैर हम लोग गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, एक सेकंड मुझे लगता है इंजन डालना भूल गया मैं। इस गाड़ी में इंजन नहीं है? ओ मैडम इंजन विंजन सब कुछ है, एक्चुअली क्या करते हैं इसी इंजन से हम लोग खेतों में पानी देते हैं। एक सेकंड जरा गाड़ी स्टार्ट कर लो मैं। अरे ये कार हिल क्यों रही है? एक सेकंड कोई हिल बिल नहीं रही, एक्चुअली मैं टायरों में ट्यूब डालना भूल गया। टायर में ट्यूब भी नहीं है? ओ मैडम सब कुछ है, क्या है एक्चुअली हम लोग विद फैमिली घूमने गए कल, मैं मेरी बीवी बच्चे सब ने अपने अपने गले में ट्यूब डाल के दरिया में स्विमिंग करना शुरू कर दिया। वैसे ही भूल गया, छोड़िए मैडम आप इंजॉय करें डार्लिंग मेरी शोना बेबी। ये गाड़ी स्टार्ट की, आप इंजॉय करो गाड़ी को। नहीं नहीं नहीं, और मेरी बात सुनो एक ध्यान से, जब भी गाड़ी चलानी है सबसे पहले तो गाड़ी तेज नहीं चलानी,
वो इसलिए क्योंकि जो गाड़ियां तेज चलती हैं उसको ब्रेक भी लगानी पड़ती है, तो जिनको ब्रेक होती है उसका तो कोई चक्कर नहीं कोई, लेकिन जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है ऐसे अपनी। क्या इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है? अरे ब्रेक, अरे, अरे ब्रेक का मतलब ब्रेक, मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं रोक। ओए बैठ जाओ डार्लिंग शो ना बेबी, क्या कर रही हो? रोको, मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत, मैं किसी ले लेता हूँ फिर। एक सेकंड, ब्रेक नहीं इसका मतलब थोड़ी गाड़ी रुकती नहीं, ये देखो। लो रुक गई गाड़ी, दो नहीं तो तीन मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रोकने में, इसमें क्या जाता है? बस चक्कर यही है हर महीने दायां वाला शूज नया लेना पड़ता है। माफ करो, मुझे नहीं सीखनी तुम्हारी गाड़ी, मैं जा रही हूँ। नहीं सीखनी गाड़ी तुम्हें? नहीं। गाड़ी रोकूं? हाँ। रोकू रोकू तो ऐसे करी जैसे सच्ची में चल रही। उतर जा बदतमीज लड़की, उतर। You will have to pay for this. ओ जा दबा हो जा, तेरे जैसे मैं तो वैसे ही कपड़े देके एंजॉय कर रहा था, तेरे को तो मैं साइकिल ना सिखाऊं। ऐसी लड़की हो ना बंदा जेब से तेल डलवा के सिखा देता है, ऐसी औरत को कौन सिखाए बदतमीज। फोन किसका बन गया? हेलो जी, कौन कमिश्नर? जी सर, जी कमिश्नर साहब की बीवी गाड़ी सीखने आ रही है, किसी भी वक्त आ सकती है। कोई चक्कर नहीं सर, कमिश्नर साहब की बीवी हमारी बीवी, अपना रिस्पेक्टेड होगी ना हमारे लिए। कमिश्नर साहब की बीवी है, सारे देश की प्रॉपर्टी है जी, कोई चक्कर नहीं है। लगता कमिश्नर साहब की बीवी आ गई। ओ जी गाड़ी आप ही सिखाते हो? मैडम आज तक तो मैं ही सिखाता हूँ, आगे का भगवान मालिक है जी। पैसे कितने लोगे? हाँ जी पैसे आपसे क्या पैसे लेने जी, आप इधर गाड़ी में फंसी आई है आप। बैठिए बैठिए प्लीज, पहले बैठिए आप, कमिश्नर की बीवी है, बैठिए बैठ बैठ जाता हूँ मैडम, कोई बात नहीं, आप इंजॉय, आप जूस पीजिए, आप थक गई होंगी इतनी दूर से, जूस पीजिए आप। ये मैडम, और ये क्या है? ये मैडम गेयर है जी। इससे क्या होता है? इससे वैसे तो गाड़ी चलती है, आप जो चाहेंगे हो जाएगा। और जे? ये मैडम एक्सीलेटर है, इसको पैर से दबाते हैं। ओहो इससे क्या होता है? इससे वैसे तो गाड़ी आगे चलती है, पर आप पैर रखेंगे आपका पेडीक्योर कर देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। ये क्या है? ये मैडम स्टीयरिंग है, इससे गाड़ी चलती है, आप चला के देखिए, एंजॉय करें जरा। और चल फिर तू इधर आ। इधर क्या आना मैडम, आप इधर क्यों आ रही हैं? आप इधर से चला ले। एलिफेंट एंजॉय करें। ओ वाह ओए, ये तो कमाल है। हाँ जी बहुत कमाल है जी मैडम, इसमें एक्चुअली ब्लूटूथ लगा हुआ है। मैडम आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप थक गए, मैं चलाता हूँ स्टीयरिंग, आप पिए, मैं सिखाता हूँ ऐसे। भूख भी लगी है। वैसे आप तो आ गई, आने की जरूरत नहीं, हम तो सिखा के घर भेज देते ड्राइविंग। असमाल रेड लाइट। ओ कोई नहीं मैडम, ये गरीब लोगों के लिए, आप मारो बंदे। ये तो कोई बात नहीं मैडम, इंजॉय करो। हाँ कोई बात की घबराहट नहीं। एक सेकंड मैडम फोन आया, गाड़ी रोको जरा। जी क्या क्या, मैंने सिर्फ कमिश्नर साहब की बीवी के साथ बदतमीजी की? सर क्या बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब की बीवी तो ये इधर बैठे हुई है। क्या जो पहले आई थी वो थी? सर सर मेरी बात सुने, ये गलती हो गई। देखिए सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी भेजता हूँ, चाहे तो उसको छेड़ लीजिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सर मेरी, आप कमिश्नर की बीवी नहीं है? नहीं है? है? सर मेरी बात सुने एक सेकंड, इतना गुस्सा है, मेरी आंखें सीधी हो गई। तो तुम कमिश्नर की बीवी नहीं हो है? मेरा तो पति नहीं है। एक तो पति नहीं, ऊपर से कमिश्नर भी नहीं है। बारा 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 मैं कान गड़ी जा मरूं। मैं भी सोचूं कमिश्नर ने ऐसा कौन सा क्राइम किया जो टाटा सुमो पाल रखी है। मोटी कहेंगी तेरी गर्दन काट दूं ना, तेरा तंदूर बन जाए, 150 नान एक टाइम पे पका सकती हूं। चुप कर, ऐसी औरत को पालना कोई आसान काम नहीं है, एक दिन में 1200 रुपए की तो इनो पी जाती है। चली जा यहां से, थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। बाहर जा तू, अभी बताती हूँ तुझे। निरफ पापा बात करो जरा, ये ले पापा से बात कर, तेरा बाप कमिश्नर है। चल जा, मैंने कहा था सीएम है। बात कर। क्या है तुम्हारे पापा? चीफ मिनिस्टर। रुको पापा। Ha 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 ha!